हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे इस चैनल पर लाइव टेस्ट रखा गया था, फ्री लाइव टेस्ट 7 PM में। वो रिजल्ट आपको 9 PM में मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन के राइट आंसर हैं। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है कि लाइव टेस्ट हुआ था, तो हम बता दें डेली आपका लाइव टेस्ट 7 PM में होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑन कर लेना है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आपको आएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में बता देते हैं कि किस प्रकार से लाइव टेस्ट देना है, कितने क्वेश्चन रहेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और कितना टाइम रहेगा, ये सारा कुछ हम पासवर्ड वगैरह सब कुछ बता देते हैं। तो इस वीडियो में केवल हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, क्या क्वेश्चन के राइट आंसर हैं, और आपने रिजल्ट भी देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लाइव हमारे टोटल क्वेश्चन हमने आपसे बताए थे 40 से 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो आज के लाइव टेस्ट में टोटल क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन रखे गए थे, जिसके लिए हमने टाइम यहाँ पे 30 मिनट दे दिया था, ताकि अगर आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम आती तो उससे भी आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है और हार्ड भी क्वेश्चन, ये कह सकते हैं मीडियम पेपर था ये आज के लाइव टेस्ट का। और CITS का जिनका भी एग्जाम है 17 अथवा 18 सितंबर को, तो एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा हम वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लाइव टेस्ट का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस होती है। देखिए, कभी भी क्वेश्चन पूछे सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस कितनी होती है, तो 9.87 होती है। कितनी होती है हार्डनेस हमारी सिलिकॉन कार्बाइड की, 9.87। अगर वो 9.87 ऑप्शन में ना दिया हो, केवल 9 दिया हो, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे हम, 10 लगाएंगे, क्योंकि ये 10 के करीब है 9.87, ठीक है। तो सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस हमारी कितनी होती है, 9.87। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पूछता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस हमारी होती है 9.6 होती है। अगर हीरे की हार्डनेस पूछे, हीरे की हार्डनेस हमारी 10 होती है। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सोल्यूबल आयर और पानी को मिलाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सामान्य अनुपात है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन रेशियो द मिक्सिंग सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर। मतलब कि सोल्यूबल आयर और पानी को मिलाने के लिए रेशियो पूछा जा रहा है, तो वो रेशियो हमारा कितना होता है फ्रेंड्स, 1:20 होता है। 1:20 का मतलब क्या होता है, हमारा 20 लीटर पानी में हमारा एक क्या है, 1 लीटर हमारा क्या, सोल्यूबल आयल, ऐसे समझ सकते हैं 1:20 में ना, 20 हमारा पानी है, 1 हमारा क्या, सोल्यूबल आयल। तो याद रखिएगा, अगर वो क्वेश्चन में पहले पानी लिख दे, पानी और सोल्यूबल को, पानी और सोल्यूबल का रेशियो क्या होता है, तो वो वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 20:1। हमें ये रटना नहीं कि 1:1, 1:20, 1:20, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमारा पानी 20 होता है, सोल्यूबल 1 होता है, ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मैलेट बनाया जाता है, मैलेट किसे कहते हैं, तो लकड़ी से बने हैमर को हम मैलेट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात था ना, तो हमारा हार्डवुड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसके आधार पर उसकी चादरें बनाई जाती हैं। तो धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसके आधार पर उसकी चादरें बनाई जाती हैं, तो हमारा मेलेबिलिटी गुण होता है, जिसके आधार पे हम किसी भी मेटल है अगर उसमें मेलेबिलिटी का गुण है, तो उसके आधार पर हम उसकी चादरें बनाई जा सकती हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा वाल्व पानी के बहाव को एक दिशा में जाने देता और विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। तो ये पिछले लाइव में भी क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से इसको हमने डिस्कस किया था, फिगर के माध्यम से भी बताया था। नहीं देखा है तो वो संडे लाइव टेस्ट 8 वो वीडियो था जिसमें हमने फिगर के माध्यम से बताया था। क्या हमने बताया था, कौन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, तो कौन सा वाल्व पानी के बहाव को एक दिशा में जाने देता है और विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, वो हमारा होता है चेक वाल्व, ठीक है। और इसे रिफ्लेक्स वाल्व भी कहते हैं, नॉन रिटर्न चेक वाल्व भी कहते हैं, ये सब याद रखिएगा, इनके दूसरे नाम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया था हमारा कि विपरीत दिशा में जाने से रोकता होता क्या, कि एक हमारी डिस्क होती है, जब पानी का प्रेशर मारता है तो वो डिस्क ओपन हो जाती है और पानी आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब पानी वापस आता है तो डिस्क हमारी उसमें फोर्स डालती है तो डिस्क हमारी बंद हो जाती है, इसलिए पानी वापस नहीं जा पाता। तो उसके लिए हम एक दिशा में पानी जाए, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चेक वाल्व का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नॉन रिटर्न वाल्व भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीए थ्रेड किस नंबर तक पाई जाती है। तो बीए थ्रेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीए थ्रेड से क्या क्या पूछा जा सकता है, कि बीए थ्रेड
एंगल जो वेरी इंपॉर्टेंट है 47.5 डिग्री इसका एंगल होता है बीए थ्रेड का, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, छोटे छोटे स्क्रू में बीए थ्रेड का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके ये किस नंबर तक पाई जाती है, तो यह 0 से 25 नंबर तक हमारी बीए थ्रेड पाई जाती, पिछले लाइव टेस्ट में भी क्वेश्चन था। और इसमें हमारे जो नंबर होता है एक नंबर का साइज हमारा इसमें 6 mm होता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो बीए थ्रेड है वो हमारे नंबर से व्यक्त किया जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था किस जिग के साथ इंडेक्सिंग डिवाइस प्रयोग की जाती है, वह कौन सी जिग है जिसके साथ हम इंडेक्सिंग डिवाइस प्रयोग की जाती है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन था कि हमारा जो ट्रूनियन जिग होती है उसको स्थापित करने के लिए, उसको रखने के लिए हम उसको स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम इंडेक्सिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एसीटिलीन सिलेंडर में एसीटिलीन को निम्नलिखित में किससे मिलाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में कि एसीटिलीन सिलेंडर में एसीटिलीन को निम्नलिखित किससे मिलाया जाता है, तो हम मिलाते हैं एसीटीन से, ठीक है। तो एसीटोन से मिलाते हैं, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, एसीटोन से हम मिलाते हैं एसीटिलीन में, ठीक है। तो एसीटिलीन सिलेंडर में हम एसीटिलीन को किससे मिलाते हैं, एसीटोन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी हमने अच्छे से ऑप्शन में क्लियर किया था, क्वेश्चन आपने गलत नहीं किया होगा आशा करते हैं। एक्सपेंशन रीमर की बॉडी में कितने साइज तक का विस्तार होता है, एक्सपेंशन रीमर जो होता है उसमें एक हमारा टेपर थ्रेड प्लग होता है जिसको हम थोड़ा सा मतलब बढ़ा के उसका साइज को, बॉडी का जो साइज है जो डायमीटर है उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारा बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, 0.05 mm हम बढ़ा सकते हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल होते हैं, गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल कितने होते हैं, 2 से 8 होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो गया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए जिससे कि हमें मोटिवेट हो सके और आपके लिए हम डेली लाइव टेस्ट ऐसे ही करा सकें, ठीक है। कोई भी आपसे फीस नहीं ली जा रही, बस आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है, ट्यूब माइक्रोमीटर से हम क्या चेक करते हैं, पाइप का बाहरी व्यास, पाइप का अंदरूनी व्यास, पाइप की मोटाई, पाइप की लंबाई, ये 4 ऑप्शन थे। तो पाइप ट्यूब माइक्रोमीटर से हम क्या चेक करते हैं, तो पाइप की मोटाई, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम जैसी नर्म धातुओं पर फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो एल्यूमिनियम जैसी नर्म धातुओं पर किस फाइलिंग करने के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं, हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। कभी भी वो एल्यूमिनियम वर्ड दे दें, एल्यूमिनियम पर अगर एल्यूमिनियम धातु पर अगर हमें फाइलिंग करना है तो हमें किसका प्रयोग करेंगे, सिंगल कट फाइल का प्रयोग करेंगे। अगर वो कठोर धातुओं पे पूछता है तो कठोर धातुओं के लिए हम डबल कट फाइल का यूज करते हैं। सेकंड कट फाइल हमारी किस, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा था कि हमारी कौन सी फाइल कट के अंतर्गत नहीं आती है, तो हमारी कौन कौन सी कट के अंतर्गत आती है हम देख लेते हैं, सिंगल कट आती है, डबल कट आती है और रास्प कट आती है, लेकिन हमारी जो सेकंड कट है वो ग्रेड के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया था, रेडियल ड्रिलिंग मशीन की चारों ओर घूमती है, रेडियल, एक क्वेश्चन और यहाँ याद रखिए, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का साइज कहाँ से लेते हैं, हम आर्म की लंबाई से लेते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, आर्म से लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इसका जो आंसर क्या होगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन के चारों ओर घूमती है, तो पिलर के चारों ओर घूमती है, रेडियल मशीन किसके ऊपर चारों ओर घूमती है, पिलर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, तो रेडियल आर्म से हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन का साइज लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टेबल हैंड रीमर के साइज को कितने साइज तक घटाया बढ़ा सकते हैं, तो जैसे एक्सपेंशन रीमर था, एक्सपेंशन रीमर में हमने बताया 0.05 mm तक के साइज को घटाया बढ़ा सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या था, एडजस्टेबल हैंड रीमर के साइज को कितने साइज तक घटाया बढ़ा सकते हैं, तो एडजस्टेबल हैंड रीमर के द्वारा हम 3 mm तक के साइज को घटाया बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं, इसमें हमारा एक मात्र ऐसा रीमर है जिसमें हम ब्लेड प्रयोग करते हैं, इसमें हमारा बॉडी में ब्लेड भी होते हैं और 2 स्लॉट होते हैं, नट लगा होता है, उसके बीच में हमारा ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। तो 3 mm तक के इसके साइज को घटाया बढ़ा सकते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, नाइफ एज फाइल के क्रॉस सेक्शन का कोण कितना होता है, तो नाइफ एज फाइल आप जानते हैं, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, नाइफ एज फाइल का क्रॉस सेक्शन कितना होता है, 10 डिग्री होता है। ताले की चाबी में हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं, नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो राइट आंसर यहाँ पे 10 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। चेन ड्रिलिंग में किस चीजल का प्रयोग किया। अच्छा, चेन ड्रिलिंग क्या होता है? चेन ड्रिलिंग ये होता है जैसे कोई हमारी, देखिए ऐसे हम बना रहे हैं, ये हमारी कोई स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर जॉब है, उसमें हम होल करते हैं, मतलब कि ड्रिल से क्या हम कंटिन्यू होल कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर होल कर रहे हैं ड्रिल से, ठीक है। तो वो जो उनकी जो सफाई करने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उनमें होल वगैरह जो भी करना है वो उसको कहते हैं। जब हम उस प्रक्रिया को, जब हम चीजल जो प्रयोग करते हैं वहां पर, हम प्रयोग करते हैं वहां पर, हम प्रयोग करते हैं वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। तो चेन ड्रिलिंग करने के लिए हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच कितनी रखी जाती है। ठोस पीतल को काटने के लिए हम 1.8, देखिए जब भी ठोस बात करें, ठोस पीतल, ठोस कोई भी ठोस मेटल है, अगर हार्ड मेटल है तो उसमें हमारी पिच क्या होगी, हमारी पिच हमारी अधिक होगी, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारा जो दांतों के बीच जो गैप है वो अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो पिच हमारी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तो हमारा 1.8 mm होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पतली चीजों को प्रयोग करता, मतलब पतली सीट है, पतला मेटल है, पतली धातु है, नर्म धातु है, तो वहां पर हम एक्सा ब्लेड की पिच हम कम रखते हैं। वो क्यों रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दांत जो है उसमें, जो हमारा पतला मेटल है उसमें अधिक दांत बैठ सकें, किसके दांत, हेक्सा ब्लेड के जो हमारे टीथ हैं वो बैठ सके, है ना। जितनी पिच कम होगी उतने ज्यादा हमारे दांत बैठ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.8 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सा में कटिंग स्ट्रोक होता है, तो पावर साहब में कटिंग स्ट्रोक होता है, ऑप्शन था आगे जाते समय, पीछे जाते समय, कोई भी। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बना रहे ताकि किसी के कोई शिकायत ना रहे, बहुत शिकायत होती है सर हिंदी में कराएं या तो इंग्लिश में कराएं, तो दोनों लैंग्वेज कराते हैं ताकि, और आप सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, है ना। पावर साहब कटिंग में स्ट्रोक होता है, पावर साहब आप जानते हो, पावर साहब कटिंग स्ट्रोक होता है तो पीछे जाते समय, ठीक है। इसमें स्ट्रोक क्या होता है, पीछे जाते समय, वन द वे बैक, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया था, हार्ड मटेरियल की टर्निंग करने के लिए, ठीक है, कार्बाइड टिप्ड टूल का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही बात है, इसके लिए कौन सा एंगल रखा जाता है। तो हार्ड मटेरियल की जब भी टर्निंग करना होता है वहां पर हम निगेटिव रैक एंगल रखते हैं। रीजन ये है कि जहां पर झटके वगैरह लगते हैं, है ना, तो झटके वगैरह जहां पर भी लगता है टर्निंग करने में, वहां पर हम प्रयोग करते हैं निगेटिव रैक एंगल, ठीक है। तो हार्ड मटेरियल में ही जब इसकी टर्निंग कर रहे होते हैं तभी ज्यादा वाइब्रेशन झटका वगैरह होता है, और उसके लिए हम कार्बाइड टिप टूल का प्रयोग करते हैं, और इसी में हमारा निगेटिव रैक एंगल दिया जाता है, ठीक है। जीरो रैक एंगल में हमारा पीतल में रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ब्रास है, ठीक है, और पॉजिटिव रैक एंगल नर्म धातुओं के लिए रखा जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ट्रूइंग क्रिया की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रूइंग क्रिया की जाती है ग्लेज्ड व्हील की, जिसका फेस ठीक ना हो, लोडिंग व्हील की, क्रैंक व्हील की, ये चार ऑप्शन थे। तो ट्रूइंग क्या होती है, सबसे जरूरी जानना बात है, तो ट्रूइंग और ड्रेसिंग ये दोनों अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जैसा कि क्वेश्चन आता है, तो ट्रूइंग और ड्रेसिंग से बिल्कुल भिन्न है। ट्रूइंग होती क्या है, ट्रूइंग ये होती है कि कोई हमारा ग्राइंडिंग व्हील है वो हमारा उबड़ खाबड़ हो गया, मतलब कहीं उसका जो फेस है, जो जो हमारा जो गुलाई है वो, मतलब कि कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो ये समझ लो कि ट्रूइंग, सिंपल सी भाषा में समझ लो कि हमारा जब व्हील है उसको हम, उसके फेस को पूरी शुद्धता में समतल करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रूइंग कहलाती है। तो अगर फेस है हमारा वो खराब हो गया, उबड़ खाबड़ हो गया है, सही से वो प्लेन समतल नहीं, तो उसको समतल करना ही हमारी ट्रूइंग क्रिया कहलाती है। और ट्रूइंग क्रिया करने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो हम डायमंड टूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ट्रूइंग क्रिया करते समय टूल को हम फेस के साथ कितने डिग्री पर रखते हैं, तो 60 से 70 डिग्री पर रखते हैं। जैसे हम स्क्राइबर को रखते हैं ना, स्क्राइबर से लाइन खींचते समय, मार्किंग करते समय हम कितने डिग्री पर झुका कर काम करते हैं, तो हम 30 डिग्री पर झुका के काम करते हैं। इसी प्रकार से ट्रूइंग में हम जब टूल को, जो हमारा डायमंड टूल है, जिस टूल से हम ट्रूइंग क्रिया करेंगे उस टूल को फेस के साथ 60 से 70 डिग्री कोण पर हम झुका के रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा ट्रूइंग से। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा फिर, जिसका फेस ना हो, मतलब कि जिसका फेस ठीक ना हो, मतलब कोई हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसका फेस ठीक नहीं है, तो उस फेस को ठीक करने के लिए हम ट्रूइंग क्रिया करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस में गर्म हवा देने के लिए ट्वीयर्स लगे होते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस क्या है, ब्लास्ट फर्नेस से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो हम पिग आयरन जब हमें प्राप्त करना होता है हम ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोयस्क डालते हैं फिर ब्लास्ट फर्नेस से, जिसे हम वात्या भट्टी हिंदी में बोलते हैं, और इससे हम पिग आयरन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर हम कुपोला फर्नेस में हम पिग आयरन को डालते हैं, तो वहां से हम क्या प्राप्त करते हैं, कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं, और हम पुल्लिंग फर्नेस से क्या प्राप्त हैं, रॉट आयरन प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लास्ट
फर्नेस में गर्म हवा देने के लिए 2 ईयर्स लगे होते, तो 12 से 16 हमारे 2 ईयर्स लगे होते, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, छोटे व्यास के धातु पाइपों को द्वारा जोड़ा जाता है, मतलब छोटे व्यास के हमारे पाइप हैं, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ये 4 ऑप्शन थे, एक्सपेंशन ज्वाइंट, स्क्रू ज्वाइंट, फ्लैंज ज्वाइंट, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रू ज्वाइंट, ठीक है। तो छोटे व्यास के धातु के पाइपों को जोड़ने के लिए हम स्क्रू ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले लाइव टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था, वी बेल्ट के लिए निम्न कौन सी बेल्ट ड्राइव उपयुक्त होती है। वी बेल्ट के लिए हम कौन सी बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जॉकी पुली पूछे, जॉकी पुली हम किसके साथ प्रयोग करते हैं, तो ओपन बेल्ट ड्राइव के साथ जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी इसके डिटेल में भी हम आपको वीडियो बना चुके हैं संडे लाइव टेस्ट एट में, दोनों इनके फिगर के माध्यम से सारा कुछ डिटेल में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो वी बिल्ड कौन सा बिल्ड ड्राइव उपयुक्त है, वी बिल्ड के लिए ओपन बिल्ड ड्राइव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में और सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाला आप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए, एक से अधिक अगर हमें ऑपरेशन करना, मतलब कि एक ही बार में अधिक ऑपरेशन करने, तो हमें किस जिग का प्रयोग करना चाहिए, वहां पर हम यूनिवर्सल जिग प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो एक ही समय में अधिक हमें ऑपरेशन करने अलग अलग, तो वहां पर हम यूनिवर्सल जिग का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर यहां पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, प्लम्बर वाइस की बॉडी होती है, प्लम्बर वाइस की बॉडी हमारी किस धातु की बनी होती है। फ्रेंड्स प्लम्बर वाइस हमारी कास्ट एंड मेटल की हमारी बनी होती है, जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी कास्ट एंड की बनी होती है। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इनमें से कौन सी फाइल कट के अंतर्गत नहीं आती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था कि हमारी कट के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो हम पहले ये देख लेते हैं। तो हमारी डबल कट, सिंगल कट, रास्प कट, ये हमारी कट के अंतर्गत आती है, जबकि हमारा सेकंड कट होता है वो हमारा ग्रेड के अंतर्गत आता है। तो हमारी कौन सी कट के अंतर्गत नहीं आती, तो हमारी सेकंड कट के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है, ग्रेड के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, फाइल के किस भाग को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है। जो अभी हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपका सपोर्ट ही हमें मेहनत करने को प्रोत्साहित करता है। फाइल के किस भाग को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है, तो इस फाइल के हम किस भाग को हार्ड व टेम्पर नहीं करते, टैंक को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो फाइल के किस भाग को हार्ड व टेम्पर नहीं करते, टैंक को नहीं करते। क्यों नहीं करते फ्रेंड्स, क्योंकि टैंक में हम, ये भी क्वेश्चन आता है कि फाइल के किस भाग में हम हैंडल लगाते हैं, तो टैंक में लगाते हैं, और टैंक में ही हम हैंडल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हैमर का प्रयोग करना पड़ता है, हमें ठोकना पड़ता है। तो अगर हम इसे हार्ड रखेंगे तो हमारी टैंक है टूट जाएगी, इस वजह से इसको हम हार्ड व टेम्पर नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था, बीए थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो बीए थ्रेड का एंगल हमारा 47.5 डिग्री होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और कितने नंबर तक पाई जाती है, 0 से 25 नंबर तक हमारी बीए थ्रेड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लेथ कैरिज पार्ट का मूवमेंट फेस टर्निंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा लेथ कैरिज का कौन सा पार्ट है जिसका हम प्रयोग फेस टर्निंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब कि फेसिंग करने के लिए, है ना। तो फेसिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस लाइट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, क्रॉस लाइट क्या होता है, हम जो हमारा बेलनाकार जॉब, जो हमारा हेड स्टॉक में बंधा हुआ है, उस जॉब के लंबवत, उस जॉब का जो हमारी धुरी है उसके लंबवत हम परपेंडिकुलर हम क्रॉस लाइट में हमारा टूल होता है उसके माध्यम से, क्रॉस लाइट मतलब हमारा परपेंडिकुलर हमारा उसके लंबवत हमारा आगे जाता है, ठीक है। तो जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, फेसिंग क्रिया करते हैं, जबकि कंपाउंड स्लैट से हम क्या करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, टर्निंग वगैरह करते हैं। टर्निंग में याद रखिएगा, टर्निंग में हमारा डायमीटर कम होता है, ठीक है, मतलब कि व्यास को कम करते हैं, जबकि क्रॉस स्लैट के माध्यम से जब हम फेसिंग क्रिया कर रहे होते हैं, फेसिंग करने में जॉब की लंबाई कम होती है। याद रखिएगा, फेसिंग में हमारी क्या होती है, जॉब की लंबाई कम करनी होती है। एक नर्लिंग आता है, नर्लिंग में हमारा जॉब का साइज बढ़ता है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन याद रखिएगा जब नर्लिंग क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसके कारण वह झटके सहन कर लेती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो धातुओं का वो कौन सा गुण है जिसके कारण वह सहन कर लेती है, फटिंग रेजिस्टेंस, मेलेबिलिटी, टफनेस, ये 4 ऑप्शन थे आपके सामने में, प्लास्टिसिटी भी ऑप्शन में था। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फटिंग रेजिस्टेंस के गुण के कारण ही कोई भी हमारा मेटल है वो झटके सहन करने का गुण रखता है। जैसे हमारा वेनेडियम है, वेनेडियम अगर हम किसी स्टील में मिलाते हैं तो उस स्टील में हमारा झटके सहने का गुण आता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक किस स्टील में हम सबसे अधिक झटके सहने का गुण होता है, तो वो वैनेडियम स्टील में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो सुराख सेंटर से बाहर हो जाता है उसे सेंटर में लाने के लिए हम किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई सुराख है, कोई होल है, जैसे हमने ड्रिल किया, ठीक है, अब ड्रिल करते करते हो जाता है कभी कभी कि अगर हमारा ड्रिल का जो पॉइंट है वो प्रॉपर हमने सेंटर में हमने नहीं रखा, या फिर हमने सेंटर पंच के माध्यम से सही से हमने पंच मतलब कि जो मार्क नहीं किया है, हमने ड्रिल के पॉइंट को सही से स्थान नहीं दिया, इस प्रकार से अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या होता है, हमारा जो होल है वो सेंटर आउट हो जाता है। उसे सेंटर में लाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम राउंड नोट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउंड नोट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। आयल गुरु काटने के लिए भी क्वेश्चन आता है, आयल गुरु काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम राउंड नोट चीजल का प्रयोग करते हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेब चीजल का हमने बता ही दिया है, वेब चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, वेब चीजल का हम चेन ड्रिलिंग में करते हैं, ठीक है। और कीवे काटने के लिए कीवे में हम किस चीजल का प्रयोग करते हैं, कैप चीजल का दूसरा क्या नाम है, क्रॉस कट चीजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया था हैमर का कौन सा भाग नर्म रखा जाता है, हैमर का वह कौन सा भाग है जिसे हम नर्म रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है। ऑप्शन थे आपके सामने पीन, चीक, फेस, तो आंसर क्या होगा हमारा, फ्रेस चीक होगा, ठीक है। तो हैमर का वह कौन सा भाग है जिसको हम नर्म रखते हैं, वो हमारा चीक रखा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाए। इस क्वेश्चन को ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद रखता, मनुष्य का या कोई भी है उसका जो कौन सा भाग नर्म होता है, तो वो हमारा चीक मतलब कि गाल है ना, तो कौन सा भाग नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, वो हमारा चीक होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। इस प्रकार से आपको याद रख सकते हैं। स्टड स्ट्रक्चर में थ्रेड कटी होती है, स्टड स्ट्रक्चर में कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। स्टड स्ट्रक्चर में हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। अब इसमें पूछना था कि कितनी थ्रेड कटी होती है, तो वो हमारा एक से दो होती है, कि दो से तीन, की दो से एक से दो, दो से तीन, ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो से तीन लेफ्ट हैंड थ्रेड, ठीक है, दो से तीन लेफ्ट हैंड थ्रेड हमारी स्टड स्ट्रक्चर में हमारी थ्रेड कटी होती है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ब्रेज वेल्डिंग करने के लिए कौन सी फ्लेम प्रयोग की जाती है, तो ब्रेज वेल्डिंग करने के लिए हम कौन सी फ्लेम का प्रयोग करते हैं। चार ऑप्शन थे, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, और ये चार ऑप्शन थे, ठीक, सॉरी तीन ऑप्शन यहाँ पे थे, चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम ब्रेज वेल्डिंग करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे ब्रेज वेल्डिंग करने के लिए हम किस गैस फ्लेम का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आ के बाद हमारा क्या आता है, बा आता है, इसे याद रखिएगा। ब्रेज वेल्डिंग में हम किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं, तो बा के पहले क्या आता है, आ बासा पढ़ते हैं ना, आबासादा, ऐसे करके याद रख सकते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पतली ट्यूब को काटने के लिए, जैसा कि हमने बताया था, पतली चीजें, पतली सीटें, जहां पे भी पतली वर्ड दे दे, या पतली ट्यूब है, पतली सीट है, वहां पर हम क्या रखेंगे, पिच कम रखेंगे। पिच कम रखने का मतलब क्या, दांतों का स्पेस, जो टीथ का स्पेस है वो कम रखना है। तो पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच हमारी कितनी रखी जाती है, 0.8 mm रखी जाती है। आपको 1 mm भी, 1 mm भी आपका राइट आंसर आपको कहीं कहीं मिल जाता होगा, लेकिन राइट आंसर सबसे राइट आंसर पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, बीएसपी थ्रेड का एंगल कितना होता है। बीएसपी थ्रेड का एंगल हमारा 55 डिग्री होता है। तो बीएसपी पूछे, बीएसएफ पूछे, है ना, बीएसडब्ल्यू पूछे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड, है ना, और बीएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो बीएसपी थ्रेड का एंगल हमारा कितना होता है, 55 डिग्री होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है ना, गलत नहीं करने होते हैं आपको एग्जाम में। तो CITS का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सारी जो भी डेली लाइव टेस्ट ले रहे हैं उनको जरूर वॉच, मतलब डेली लाइव टेस्ट दें, साथ ही साथ इस क्लास को जरूर वॉच करें, बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाइव टेस्ट में कराएंगे, इससे क्या होगा, जो भी एग्जाम में आप जब बैठोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ये हमारी गारंटी, ठीक है। निम्नलिखित में किस पोजीशन में वेल्डिंग करना सबसे आसान है, वह कौन सी पोजीशन है जिसमें वेल्डिंग करना आसान होता है, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन में वेल्डिंग करना आसान होता है। ऑप्शन था हमारा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लैट, ओवरहेड, ये चार ऑप्शन थे। तो उसमें हम हमारा कौन सा होता है फ्रेंड्स, हमारा फ्लैट होता है, ठीक है, तो फ्लैट पोजीशन में हमारा वेल्डिंग करना आसान होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 38, धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण खींचने पर वो टूटती नहीं है। तो धातु का कौन सा गुण है जिसे जिसके खींचने पर टूटती है, तो मेटल चैप्टर की इतनी हमने क्लासें कराई हैं उसमें बहुत अच्छे से हमने सारा कुछ डिस्कस किया, टेनासिटी, टफनेस, प्लास्टिसिटी, मतलब आप इस क्वेश्चन को तो आपने गलत किया ही नहीं होगा, है ना, जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए। तो धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण खींचने पर टूटती नहीं है, तो वो हमारी होती है टेनासिटी। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैलिपर बना होता है, कैलिपर हमारा किस मटेरियल का बना होता है। देखिए इसका भी आप लोग हाई कार्बन स्टील भी लगाए होंगे क्योंकि कुछ बुक में हाई कार्बन स्टील दिया, लेकिन हाई कैलिपर हम सामान्यतः हमारा मुख्यतः माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। हमारा हाई कार्बन स्टील किसको लगाएंगे, स्क्राइबर। स्क्राइबर हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। कैलिपर हमारा केस हार्ड किया जाता है, इसके पॉइंट को हम केस हार्ड करते हैं ताकि घिसे नहीं। ठीक है, तो कैलिपर हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, हीरे की हार्डनेस होती है, हीरे की हार्डनेस हमारी कितनी होती है फ्रेंड्स, हीरे की हार्डनेस हमारी 10 होती है जैसा कि हमने बताया था। सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस हमारी 9.87 होती है, अगर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस पूछता है तो 9.6 होती है। ठीक है, ये सारे कुछ याद रखना है। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, और आपको लाइव टेस्ट जो आपने दिया है आपने स्कोर आपको भी पता चल गया होगा क्योंकि हमने ऑप्शन रख दिया था ताकि आप जब लाइव टेस्ट एंड करें, जब आप लॉगआउट करें आपको मार्क्स हो जाए। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, रैंक चाहिए, है ना, कि हमारी कितनी रैंक आई। चलिए हम आपको रैंक दिखा देते हैं, आपकी क्या रैंक आई है, कहाँ पर आपका नाम है और आपके ऊपर कितने बच्चे हैं, वो सारा कुछ हम दिखा देते हैं। तो प्लीज पहले जो लाइव टेस्ट आपने दिया वो आपको लाइव टेस्ट कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता दीजिए। इससे क्या होगा, हम मोटिवेट हो सकेंगे, और आपके लिए जो कल हमारा लाइव टेस्ट होगा 7 PM में, अपने उसी टाइम पर जैसे आज लाइव टेस्ट हुआ, जैसे आपने दिया सेम उसी तरह कल भी लाइव टेस्ट होगा। क्वेश्चन कम या ज्यादा हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चन 25, 30, 40 ऐसे कुछ करके हो सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना है और मेहनत करके बनाना, ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे से मतलब कि पढ़ने समझने और जब आप लाइव टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अच्छा लगे, है ना। चलिए रिजल्ट की ओर चलते हैं, रिजल्ट में आपके कितने क्या मार्क्स हैं। चलिए फ्रेंड्स रिजल्ट देख लेते हैं सभी बच्चों का यहाँ पे, और यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 58% है, और यहाँ पे एवरेज टाइम है जो यहाँ पे 12 यहाँ पे दिखाया जाए, और रिस्पांस मतलब कि यहाँ पे 97 लोगों ने दिया है इस लाइव टेस्ट को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन है, यहाँ पे आरजे हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, जिनके 37 नंबर हैं। यहाँ पे निखिल हैं जिनके 35 नंबर हैं। यहाँ पे गौरव भारद्वाज हैं जिनके यहाँ पे ये पहले नंबर 1 पे बने थे, बाद में यहाँ पे दो बच्चे आगे आए हैं, इनके 34 नंबर हैं। और यहाँ पे विपिन कुमार हैं जिनके 34 नंबर हैं। यहाँ पे सचिन संजीत गुप्ता हैं जिनके 34 नंबर हैं। दीप कुमार हैं यहाँ पे 34 नंबर हैं। शुभम कुशवाहा इनके 33 नंबर हैं। अविनाश के 33 नंबर हैं। अमित के नंबर यहाँ पे 32 नंबर हैं, और रंजीत के 32 नंबर हैं। मोहित के 32 नंबर हैं, और यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे इनके हैं 32 नंबर, और यहाँ पे सुमित के हैं यहाँ पे 32 नंबर, निहार के यहाँ पे 78 नंबर हैं, और आशुतोष के यहाँ पे 30 नंबर हैं, शुभ्रता के यहाँ पे नंबर है 30 हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों का नाम ले लिया है, और बाकी अपना यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या नाम है, कहाँ पर आप आ रहे हैं, किस बाकी मार्क्स तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन देख लीजिए आपका नाम कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं नीचे तक, अगर आप फिर भी आपने रिजल्ट नहीं देख पाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हम इस वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं और आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सबसे लास्ट में नाम आएंगे तो उन्होंने तो टेस्ट दिया नहीं, बाकी इन बच्चों को जो ये सामने लिस्ट आ रही इन बच्चों ने प्रॉपर अच्छे से मतलब लाइव टेस्ट दिया है बिल्कुल अच्छे से आराम से। ठीक है, जिन लोगों के कम नंबर आए तो थोड़ा सा थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज करें, सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, और ये जो सबसे लास्ट में थोड़ा सा ये कम क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तो थोड़ा सा आप लोग टाइम से आया करें, लाइव टेस्ट को सही से दिया करें, है ना। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि हम और अच्छे से आपको लाइव टेस्ट करा सकें। तो कल लाइव टेस्ट हमारा 7 PM में होगा, और अभी के लिए बस इतना ही, गुड नाइट सभी से, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, गुड नाइट।